नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में। सबसे बड़ा उलटफेर वृषभ राशि 1 सितंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक। दोस्तों आज की इस वीडियो की सीरीज में मैं बात करने वाला हूं वृषभ राशि के लोगों के लिए राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, कि ये जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है ये वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या फल लेकर आएगा। तो देखिए वृषभ राशि की मैं बात कर रहा हूँ और राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है इसका रिजल्ट कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। राहु या फिर किसी भी ग्रह का कोई भी परिवर्तन हो, चाहे वो राशि परिवर्तन हो या फिर नक्षत्र परिवर्तन हो या फिर अस्त हो, उदय हो, वक्री हो, मार्गी हो, इन सभी चीज़ों का प्रभाव हर एक राशि पर देखने को मिलता है। और आज तो हम राहु जैसे ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि राहु ग्रह को पापी ग्रह कहा गया है और 9 ग्रहों में कहीं ना कहीं राहु ही ऐसा है जिसको मायावी के नाम से जाना जाता है। धूर्त यानी कि एक धूर्त ग्रह है, मायावी है, मायावी ग्रह राहु ग्रह। अब राहु जो है, राहु के नाम से लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, भय खाते हैं। राहु क्या है सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है वृषभ राशि जातकों। तो देखिए राहु की चर्चा हम कर रहे हैं। राहु शनि का ही एक छाया ग्रह है और शनि के मित्र कहे जाते हैं। राहु और केतु, ये दोनों राहु सिर है तो धड़ केतु है। मायावी ग्रह क्यों? क्योंकि राहु वो दे सकता है जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। राहु की कोई राशि नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये हर एक सीमा को लांग सकता है, लिमिट को, तो हर बाउंडेशन को तोड़ सकता है राहु। जो भी व्यक्ति इससे हटकर काम करते हैं, बाउंडेशन तोड़कर काम करते हैं, उनके लिए राहु बहुत अधिक एक्टिव होता है। ये है राहु, जिसके मन की तृप्ति ना हो और चाहिए और चाहिए, ये है राहु। अब राहु वृषभ राशि के लोगों के लिए, इनके लिए एकादश भाव यानी कि 11वें भाव पे विराजमान है मीन राशि पर। अब यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से क्या देखा जाता है, 11वां भाव क्या होता है? मान सम्मान का होता है, उच्च पद का होता है, प्रमोशन का होता है, लाभ का होता है, आय का होता है, इनकम का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है और कई लाभदायक स्थितियाँ देखने को मिलती है। सब कुछ यानी कि जो भी कुछ श्रेष्ठ होता है, यानी जो कुछ जीवन में श्रेष्ठ होगा, जो उत्तम होगा, वो एकादश भाव से देखा जाएगा। मान सम्मान देखा जाएगा, कितने यानी आप व्यापार में लाभ कमाएंगे, नौकरी में लाभ होगा, जीवन में मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ इसी भाव से, एकादश भाव से, 11वें भाव से देखा जाता है। तो चाहे आप व्यापार करते हो, पार्टनर में हो, सिंगल हो या फिर वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, कोई भी क्षेत्र हो, बहुत ही लाभदायक ये भाव होता है। तो इसमें किस नक्षत्र में है? राहु भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ये जो शनि का नक्षत्र है तो ये 16 यानी कि 10 जनवरी 2025 तक रहने वाले हैं। अब तक किस तरह के परिवर्तन होंगे? तो सबसे पहली बात तो देखें, वृषभ राशि को यहाँ पर एकादश भाव में बैठे हैं तो एक चीज़ का नोट कर लीजिएगा। कोई अगर जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको परिवर्तन होगा यानी कि लाभ होगा, उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन के योग बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो कुछ आपने अभी तक नहीं पाए वो पाएंगे क्योंकि राहु रंग को राजा बना देते हैं। तो नौकरी में आपको प्रमोशन, उच्च पद की प्राप्ति, बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं। बड़े भाई बहनों के अंडर में काम करते हैं तो यहाँ पर भी लाभदायक रहेगा, बड़े भाई बहनों के द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है। साथ ही वृषभ राशि को राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लाभ देगा, व्यापार में आपको लाभ देगा, चाहे आप पार्टनरशिप में करते हो या फिर सिंगल, व्यापार में कहीं ना कहीं आपको स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होगी और वैवाहिक जीवन में कोई तनाव था या फिर कोई दिक्कत थी तो वो तनाव खत्म होगा। बस आपको कुछ चीज़ों पर सावधानी जरूर रखनी है और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको शिक्षा से जुड़े क्षेत्र से भी लाभ होगा क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पे है। तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे शिक्षा में, उत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बड़े संस्था में दाखिला लेना, विदेश जाकर पढ़ाई करना। तो सितंबर का महीना और नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लाभ की स्थिति रहने वाली है, आपके व्यापार से भी लाभ होगा, शिक्षा के क्षेत्र से भी लाभ होगा और नौकरी करते हैं नौकरी में भी लाभ होगा।
मान सम्मान मिलेगा। वाणी में थोड़ा सा सौम्य बनाए रखिएगा, वाणी के द्वारा आपको यानी कि बेहतर स्थितियाँ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर चूंकि आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं तो सुख सुविधा बढ़ेगी। सुख सुविधा ऐसे बढ़ेगी कि जैसे मान लीजिए कि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला से संबंधित कोई काम करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी, यानी नॉर्मल होगी। डांसिंग का काम करते हैं, कला के क्षेत्र में है, मॉडलिंग के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर राहु आपको बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा क्योंकि यहाँ शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा वृषभ राशि के जातकों की, आप प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी और इसमें ये जो मुलाकात होगी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा आपके जीवन में, आपने जो कुछ खोया था वो प्राप्त करेंगे, धन खोया धन मिलेगा, नौकरी खोई तो नौकरी मिलेगी, बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बड़े अच्छे यानी लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपको यानी कि फ़ायदा हो सकता है, बिजनेस में आपको अच्छे प्रभावशाली व्यक्तियों से लाभ होगा और सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। मूड हालांकि बीच बीच में चेंज होगा, ये करें वो करें, क्योंकि आपका मूड चेंज होगा, राहु है ना, राहु चेंज करवाता रहता है। तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को जोड़े रखें ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि पावरफुल चीज़ भी होगी आपके अंदर, लेकिन जरा एक तरफ आप वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। साथ चलने की आवश्यकता है, संतान की प्लानिंग करेंगे, हालांकि जितना अनुशासित रहकर काम करेंगे वृषभ राशियों उतना ही आपको राहु अच्छे परिणाम देंगे। अपने बिजनेस में अपने निजी जीवन में अनुशासित रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना परेशानियां भी खड़ी हो सकती है। सावधानी क्या है, एक्स्ट्रा लोगों से दूरी यानी कि लव रिलेशनशिप ज़्यादा ना बनाएं, अपने वैवाहिक जीवन में अपनी बातचीत में गैप को ना आने दें, उस गैप को भरने का प्रयास करें ताकि बिजनेस भी अच्छा चले। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अगर बात की जाए तो आपका जो पार्टनर है अगर पति पत्नी के बीच में कर रहे हैं तो अच्छे से स्थिति देखने को मिलेंगी, कई अच्छे मौके मिलेंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप कला के क्षेत्र में डांसिंग यानी जो भी शुक्र से संबंधित काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं या फिर आप गाड़ी वाहन से संबंधित कोई आपका काम है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, गाड़ी वाहन की सुख सुविधा प्राप्त होगी, गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सुख सुविधा बढ़ाएंगे राहु, आपको यानी कि आपके जीवन में वो सुख सुविधा देंगे जिसकी आपने इच्छा जाहिर की या आपने जो सोच रखा था वो आपको मिलता नजर आएगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वृषभ राशि क्योंकि आपको राहु के जैसे उपाय करने हैं, क्या करने हैं, शनिवार के दिन एक रोटी में आप सरसों का तेल और काले तिल चुपड़कर काले कुत्ते को जरूर खिलाएं, ओम शुम शुक्रान महेश मंत्र का जाप करें और ओम राम राहवे महेश मंत्र का भी जाप करें, लाभदायक रहेगा। तो यह था वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।